जैसा कि आप सबको पता है, जोसा ने अपनी 2023 की कट ऑफ रिलीज़ कर दी हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को NIT जमशेदपुर की कट ऑफ बताऊंगा 2023 की क्या रहीं सभी ब्रांचेज और सभी कैटेगरीज की, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज़ हुई है अभी, तो फर्स्ट राउंड की दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहली जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर क्लोजिंग रैंक मतलब जो कट ऑफ गई है इस साल 44,282 गई है और HS लिखा है मतलब होम स्टेट है। इसके बाद अदर स्टेट भी बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। फीमेल के लिए 52,000 गई हुई है। बाकी यहाँ पर आप सब देख सकते हो जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ्स में है, CRL में नहीं है क्योंकि ये जोसा है। बात करें इसके अदर स्टेट के लिए सिविल इंजीनियरिंग के, तो 34,000 गया हुआ है, फीमेल 43,000 गया, तो बहुत लो कट ऑफ है क्योंकि NIT जमशेदपुर एक बहुत अच्छी NIT है। अगर आपको जानना है कि क्या इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं या कैसी NIT है, तो एक बार इसकी प्लेसमेंट जाकर जरूर देखना। मैंने इसके पिछले दोनों साल की प्लेसमेंट्स डिटेल में की हैं सभी ब्रांचेस की, 2023 के लिए भी 22 के लिए भी। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट ब्रांच जो कि कंप्यूटर साइंस होने वाली है, इसमें जो जनरल कट ऑफ गई है होम स्टेट के लिए 10,250 गई हुई है, जो कि बहुत लो बोलूँगा मैं क्योंकि ये एक टॉप 5 NITs में आप इसको रख सकते हो प्लेसमेंट वाइज, बट फिर भी इसकी कट ऑफ टॉप 5 वाली नहीं है। फीमेल 16,000 गई हुई है। बाकी NIRF में तो इस साल इसको टॉप 100 से निकाल दिया है, लास्ट ईयर कुछ 70-80 के अराउंड रैंक थी, इस साल वो भी नहीं है। और यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी या ब्रांच देखना चाहते हो अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके भी देख सकते हो। बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अदर स्टेट के लिए, तो 8,225। अब जो नेक्स्ट ईयर 2024 में JEE मेंस देना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको पता चलेगा 2024 में क्या कट ऑफ्स रहने वाली है, यही रहेंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं ये सारी। और बाकी यहाँ पर आप सब अच्छे से देख सकते हो, मैं एक एक बता सकता हूँ, बट पता है क्या, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, होम स्टेट की बात करें 23,000। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, NIT त्रिची की प्लेसमेंट्स जो हैं डिटेल में 2022 की पूरी डिटेल में मेरे पास ऑफिशियली आ चुकी हैं, बहुत ढूंढने पर मेरे को मिल ही गया ऑफिशियली, और उस पर मैं एक दो दिन के अंदर कल परसों में वीडियो लेके आ जाऊँगा, प्रिपेयर कर दिया है मैंने। बहुत कमाल की प्लेसमेंट्स कही हुई हैं 2022 में और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और बात करें इसके इलेक्ट्रिकल के अदर स्टेट कट ऑफ के लिए, तो यहाँ पर 18,000 गया हुआ है, फीमेल के लिए 27,000। देखो फीमेल के लिए लगभग सभी कैटेगरीज में रिजर्वेशन मिलती है, जो कि आपको बेनिफिट लेना भी चाहिए, अच्छी बात है। और यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लेकर आ जाऊँगा जल्द से जल्द। आज NIT जमशेदपुर पर लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे, बाकी IIT इंदौर पर भी आए थे और कुछ अलग कॉलेजेस पर भी आए थे कि कट ऑफ्स लेकर आओ सर, या तो फिर यार देखो एक बार में एक ही वीडियो ला सकता हूँ मैं, तो उस पर मैं एक दो दिन के अंदर भी कवर कर दूंगा। बाकी किस पे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें ECE में होम स्टेट कट ऑफ 17,000 गई है, फीमेल में 27,000, तो यहाँ पर न्यूट्रल और फीमेल में 10,000 का गैप देखने के लिए मिलता है। बाकी PWD देख सकते हो 900, ये कैटेगरी रैंक कट ऑफ्स हैं अगेन। और CSAB में जो होता है वो सारी CRL में होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अदर स्टेट की कट ऑफ्स बात करें 12,917 अप्रॉक्स 13,000 है। अगर आप कुछ रैंक से रह जाते हो तो टेंशन मत लेना, कट ऑफ्स लो जाएंगी, राउंड 6 तक तो बहुत लो चली जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि बहुत से ब्रांचेज में और बहुत से कॉलेजेस में इस साल कट ऑफ लो देखने के लिए मिली है, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। बाकी यहाँ पर 80 में भी PWD देखने के लिए मिलता है, इन सब ब्रांचेस में PWD देखने के लिए मिलता है, जैसे CS हो गया, IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया। बात करें नेक्स्ट ब्रांच इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, यहाँ पर होम स्टेट के लिए 25,000 कट ऑफ गई है और ये एक अच्छी ब्रांच है, आप इसको मैकेनिकल से ऊपर रख सकते हो बट इलेक्ट्रॉनिक्स से नीचे रखना और इलेक्ट्रिकल से भी नीचे रख लेना इसको, क्योंकि ये एक एवरेज ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है, इसको ना ही ख़राब बोलूँगा ना ही बहुत टॉप की बोलूँगा। बात करें इसके अदर स्टेट कट ऑफ के लिए तो 17,000 है। अगेन यार अगर आपको प्लेसमेंट्स जाननी है कौन सी ब्रांच कैसी है इस कॉलेज में, तो जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सिर्फ NIT जमशेदपुर की ही नहीं, लगभग सभी कॉलेजेस की मैंने कट ऑफ, प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग सब कर रखी है, जाकर देख लेना एक बार प्लेलिस्ट में। बात करें मैकेनिकल के कट ऑफ की, तो होम स्टेट में 32,000 गई हुई है, फीमेल के लिए 43,000, अगेन 10,000-11,000 का गैप है जेंडर न्यूट्रल और फीमेल में। और यहाँ पर आप सब देख सकते हो इसमें भी PWD देखने के लिए मिल रहा है OBC में।
बाकी इसके अदर स्टेट कट ऑफ की बात करें 25,000 गई है, फीमेल के लिए 37,000 गई है। जैसे ही राउंड टू के कट ऑफ्स रिलीज़ होंगे ऑफिशियली, मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। अभी तो राउंड वन के रिलीज़ हुए हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग MME। यहाँ के होम स्टेट कट ऑफ 43,898, अप्रॉक्स 44,000 गई है, जस्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग। फीमेल 56,000, फीमेल के लिए सबसे लो कट ऑफ इसी की गई है। और सिविल की बात करें, अभी एक और ब्रांच है जिसकी कट ऑफ इससे भी लो जाएगी जनरल के लिए, जेंडर न्यूट्रल में। अदर स्टेट की बात करें मेटलर्जिकल में, तो 38,000 गई है, फीमेल के लिए 44,000 गई हुई है। और अगेन बता रहा हूँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो यार, अभी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा जल्द से जल्द। तो बाकी जिसकी वीडियो मैं लेकर नहीं आ पाया IIT इंदौर वाले की, तो फिर यार एक दो दिन के अंदर उसकी भी कर दूंगा मैं। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट 47,000 गई है, सबसे लो कट ऑफ। और इसकी बहुत 50,000 से भी ऊपर जाएगा, इवन क्या पता अब और भी नीचे चली जाए नेक्स्ट राउंड तक। तो फीमेल 53,000, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे कट ऑफ्स लो गई हैं इस साल और लो जाएंगी भी, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। अदर स्टेट की बात करें 34,000, फीमेल 42,000, तो ज़्यादा हाई कट ऑफ्स नहीं गई है जितनी अच्छी NIT है ये, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सको। क्योंकि वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ इस टाइप की, चाहे कोई इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस हो गया उस पर भी लेकर आता हूँ। तो बेल आइकन प्रेस कर देना, कट ऑफ्स, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग्स, या किसी भी चीज़ पर चाहिए तो चेक भी कर सकते हो। 500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ मैं इन सब चीज़ पर, क्योंकि वीडियोज़ डेली लाता हूँ। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में।